केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि अग्निपथ योजना नाल नौजवानों नूं देश सेवा करन दा मौका मिलेगा। अज अपने एक ट्वीट विच उन्हां कहा कि यह योजना रुजगार हुनर दे मौके उपलब्ध करवाउण दा एक शानदार यतन है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौजवानों बारे बेहद संवेदनशील ने अते इस योजना विच शामिल होण लई उमर नूं वी प्रधानमंत्री ने वधा दिता है। इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने अज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में कई नौजवानों नाल गलबात की अते उन्हां नूं अग्निपथ योजना बारे विस्थार नाल जानकारी दित्ती। छियालीस हज़ार अग्निवीर एक साल, उससे अगले साल फिर 46,000, हर साल 46,000 रखे जाएंगे। 4 साल का टेन्योर अगर हम लेते हैं तो उसको पहले साल 4,70,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, चौथे साल जाके बढ़ते बढ़ते 6,92,000 हो जाएगी, तो औसतन 4 साल में लगभग 20 लाख रुपये उसको सैलरी से मिलेगा। बाकी फौज की सुविधा अलग है, जो आपको रहना खाना पीना सर्विस करना वो सारा अलग है, ट्रेनिंग वहाँ पर लगे 6 महीने के बाद। फिर जब आपके 4 साल पूरे होते हैं तो 10 से 11 लाख रुपये तब लमसम एक अलग से मिलेगा, तो 4 साल के बाद लगभग 30 लाख रुपये खाते में होगा। ऐसे ही 10वीं पास हो तो 12वीं का सर्टिफिकेट तब तक आपका हो जाएगा, जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके कारण। 12वीं है तो आपको जो मार्क्स उसके मिलते हैं अलग से, तो आप उसके ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आपने मान लो फौज में ड्राइविंग की है, राइफल चलाया है या कुकिंग वाला है, किसी और कोर्स में आप आए तो स्किल ट्रेनिंग भी आपकी एडिशनल होगी। जब आप 22 साल की उम्र में बाहर आए आपके पास एक और ऑप्शन कि 4 में से 1 बच्चा 15 साल अगले फौज में भर्ती हो सकता है, उसके लिए क्वालिफाई कर जाता तो 15 साल वो भी देता। जो बाकी 3 रह गए उनके पास सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस वहां पे जाने का अवसर भी है, उसको प्राथमिकता के तौर पर। राज्य ने कहा कि हम अपनी पुलिस भर्ती कर लोगों को प्राथमिकता के तौर पर मेरिट के आधार पर लेंगे, उनको वहां पर भी अवसर मिले। फिर जो कॉर्पोरेट जगत है और बाकी हमारी ऐसी यहाँ पे कॉर्पोरेशन होती है उनमें भी जैसे एक्स सर्विसमैन को लिया जाता है, उसी की तर्ज पर एक अनुशासित युवा के रूप में और पढ़े लिखे स्किल्ड युवा के रूप में आपको वहां पर भी लेने की देश भर में तैयार। इसका तो इतना स्वागत सब जगह हो रहा है, आपके मन में जो शंका है बताइए, हम उसकी भी ऊपर बात करेंगे।